200 ग्राम भी रविचंद्रन अश्विन और एमएस धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों, अश्विन ने अपनी जबरदस्त गेंदबाजी से तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है ना, जो बड़े से बड़े दिग्गज दो दो दशकों तक नहीं बना पाते। आखिरकार अश्विन ने कैसे अनिल कुंबले तक के रिकॉर्ड को तोड़ कर रख दिया आज, और दुनिया में इकलौते ऐसे खिलाड़ी बन गए भारत की तरफ से करने वाले। उनकी जबरदस्त गेंदबाजी के द्वारा बनाया गया रिकॉर्ड इतना शानदार था कि रोहित भी रोते हुए उन्हें गले लगाने लगे। दोस्तों, अश्विन की गेंदबाजी उनके इसी जबरदस्त रिकॉर्ड का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, रविचंद्रन अश्विन और हार्दिक पांड्या दोनों में से ज्यादा बेहतर खिलाड़ी कौन है आपकी नजरों में, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रहे सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच को जीतने के लिए भारतीय खिलाड़ी पुरजोर कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इस कोशिश के बीच ना एक ऐसा ऐतिहासिक इतिहास रचा गया है जो केवल एक ही गेंदबाज भारत की तरफ से कर सकता था, और उन्होंने जब वो करके दिखाया तो वो पूरी दुनिया में ऐसा करने वाले भारत की तरफ से पहले भी बन गए। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम ने जबरदस्त बल्लेबाजी करी है। जहां रोहित शर्मा का शतक था तो वहीं हमें जड्डू का भी शतक देखने को मिला। इनफैक्ट हमारे टेल एंडर्स बैट्समैन ही 114 रन जोड़ गए टीम के लिए, जिसके दम पर हमने पूरे के पूरे 445 रन बना दिए। लेकिन दोस्तों, उनकी शुरुआत भी अच्छी थी। इंग्लैंड की टीम की तरफ से भी खिलाड़ियों ने रनों की बरसात करने शुरू कर दी। खासतौर पर बेन डकेट ने 70 रन देखते देखते बना दिए थे, लेकिन इस बीच इस पार्टनरशिप को तोड़ा जैक क्रॉली के साथ दोस्तों रविचंद्रन अश्विन ने, और इस कदर तोड़ा ना कि इंग्लैंड की टीम दोबारा अपने पांवों पर खड़ी नहीं हो पाई। 200 पारी के 14वें ओवर की बात है, जैक क्रॉली इससे पहले की गेंद को समझ भी पाते ऑफ स्टंप को टारगेट करते हुए अश्विन ने एक स्लोअर गेंद फेंकी और ये खिलाड़ी रजत पाटीदार को कैच थमा बैठा। दोस्तों, इनका विकेट तो मिल गया, लेकिन क्या आप सभी जानते हैं कि इनका विकेट केवल कोई विकेट नहीं बल्कि एक अपने आप में इतिहास बन चुका है। दोस्तों, राजकोट की धरती पर अश्विन ने एक नायाब रिकॉर्ड बना दिया है। दोस्तों, रविचंद्रन अश्विन टेस्ट में 500 विकेट लेने वाले भारत की तरफ से दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। आपको बता दें कि इनसे पहले ये कारनामा 200 अनिल कुंबले भी कर चुके थे, लेकिन अब रविचंद्रन अश्विन ने भी 500 विकेट लिए। लेकिन उसमें भी खास बात यह है कि अनिल कुंबले को ना पूरे के पूरे 100 से भी ज्यादा मैचेस लगे थे 500 विकेट लेने में, तो वहीं रविचंद्रन अश्विन ने तो ये उससे पहले ही करके दिखा दिया है। दोस्तों, अश्विन ने जैसे ही ये रिकॉर्ड बनाया, जैसे ही विकेट लिया, तो रोहित शर्मा दौड़ते हुए आए, इमोशनल होकर उन्हें गले लगाने लगे। दोस्तों, आपको बता दें कि अश्विन से आगे बस अब एक ही गेंदबाज बचे हैं, मुथैया मुरलीधरन। हालांकि दोस्तों, मुरलीधरन के नाम तो 800 विकेट हैं और वहां तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन भारत में अब नंबर वन गेंदबाज की बात होगी ना तो केवल और केवल अश्विन का नाम सामने आएगा। और वैसे भी अश्विन इस सीरीज में तो खेलेंगे ही, तो अनिल कुंबले के रिकॉर्ड को तो वो तोड़ ही चुके हैं। दोस्तों, अश्विन ने कमाल कर दिया, चमत्कार रच दिया। आप सभी उनकी गेंदबाजी और इस शानदार जानदार रिकॉर्ड को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में रविचंद्रन अश्विन ने 500 विकेट लेकर दुनिया के तीन सबसे दिग्गज गेंदबाजों की सूची में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में शुमार करवाया, जिसे देखकर पूरी दुनिया उन्हें सलाम कर रही है। यहां तक कि अब दुनिया भर के बड़े बड़े गेंदबाजों, खुद शोएब अख्तर से लेकर जेम्स एंडरसन, यहां तक कि अश्विन ने जिनके महा रिकॉर्ड तोड़े, मुरलीधरन से लेकर अनिल कुंबले, नाथन लियोन और वसीम अकरम जैसे दिग्गज गेंदबाजों ने भी अब अश्विन को बधाइयां देते हुए जो कहा, सच में करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। तो आखिरकार अश्विन की सफलता पर क्या कुछ रहा दुनिया भर के दिग्गजों का रिएक्शन, सब कुछ तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है अश्विन, मुरलीधरन, अनिल कुंबले में कौन सबसे महान स्पिनर है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे राजकोट टेस्ट मैच में टीम इंडिया के दिग्गज स्पिनर आर अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। आर अश्विन ने अपने टेस्ट करियर में 500 विकेट पूरे कर लिए हैं, वह टेस्ट करियर में 500 विकेट लेने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज बने हैं। उनसे पहले यह कारनामा दिग्गज खिलाड़ी अनिल कुंबले ने किया। वहीं आर अश्विन, अनिल कुंबले के अलावा क्रिकेट के इतिहास में कुल 8 गेंदबाज ही 500 टेस्ट विकेट का आंकड़ा छू सके हैं। जी हां दोस्तों, रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट में 500 विकेट पूरे करने के लिए 98 टेस्ट मैच की 184 पारियां ली हैं। इसी के साथ वह टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 500 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने अनिल कुंबले को पीछे छोड़ा है। अनिल कुंबले ने 105 मैचों में 500 विकेट पूरे किए थे। वहीं टेस्ट में सबसे तेज 500 विकेट लेने का रिकॉर्ड श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन के नाम है। मुथैया मुरलीधरन ने 87 टेस्ट मैचों में 500 विकेट लिए थे। इनके दम पर ही टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में आर अश्विन दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। वहीं अनिल कुंबले इस लिस्ट में सबसे आगे हैं। अनिल कुंबले ने टेस्ट में भारत के लिए कुल 619 विकेट लिए हैं। दूसरी ओर इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में भी अश्विन दूसरे नंबर पर हैं।
इंटरनेशनल क्रिकेट में वह 728 रन विकेट ले चुके हैं, यानी कि इस तीसरे टेस्ट मैच का दूसरा दिन रविचंद्रन अश्विन के लिए बेहद यादगार साबित हुआ है और उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। इसके बाद तो हर तरफ से उन्हें बधाई संदेश मिल रहे हैं, यहाँ तक कि अब खुद दुनिया भर के कई बड़े बड़े दिग्गज गेंदबाजों ने अश्विन की तारीफों के कसीदे पढ़े हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो रविचंद्रन अश्विन के आदर्श खुद अनिल कुंबले जी ने रविचंद्रन अश्विन को बधाई देते हुए कहा, रविचंद्रन अश्विन आपकी खूबसूरती को सलाम है, टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेकर आपने हमसे कंधे से कंधा मिलाया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मुझे पूरा भरोसा है कि आप मुझे भी पीछे छोड़कर इतिहास के सबसे महान स्पिन गेंदबाज बनेंगे, आपको ऑल द बेस्ट। वहीं खुद जेम्स एंडरसन ने भी अश्विन की सफलता पर बधाई देते हुए लिखा, रविचंद्रन अश्विन भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स में से एक हैं, उन्हें इस उपलब्धि की बहुत बहुत बधाई। मुझे पता है माइलस्टोन छूना कैसा लगता है, वह एक दिग्गज खिलाड़ी हैं और मैं उनकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूं। हमारे खिलाफ उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की, उन्हें लाइव करते हुए देखना एक स्पेशल अनुभव था। इसके अलावा पाकिस्तान तक अश्विन के चर्चे जा चुके हैं, जहां पाकिस्तान की सबसे बड़ी सनसनी शोएब अख्तर ने भी अश्विन को बधाई देते हुए कहा, रविचंद्रन अश्विन ये नाम याद रख लीजिए, पिछले 10 सालों से हर एक बल्लेबाज के मन में जो खौफ बनकर छाया हुआ है उनका नाम अश्विन है। उन्होंने एलीट सूची में अपना नाम शुमार करवाया है, जो ये दिखाता है कि वह एक लेजेंड है जो भारतीय टीम की सफलता के सबसे बड़े सूत्रधार साबित हुए हैं। बहुत अच्छे अश्विन। यहाँ तक कि उन्हीं के साथ ही वसीम अकरम ने भी अश्विन को बधाई देते हुए कहा, टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया क्यों इतनी खतरनाक मानी जाती है, उसके सबसे बड़े कारण अश्विन हैं। आज उन्होंने 500 विकेट लेकर इतिहास रचा है, वह केवल तीसरे गेंदबाज बने हैं ऐसा करने वाले। ये दिखाता है कि वह अपने साथी गेंदबाजों से कितने सुपीरियर है। रविचंद्रन अश्विन एक लीजेंड है, उन्हें इस उपलब्धि की बहुत बहुत बधाई। मुझे तो यह भी गट फीलिंग आ रही है कि अनिल कुंबले को भी जल्द पीछे छोड़ सकते हैं। इसके अलावा इतिहास में सबसे ज्यादा टेस्ट में विकेट लेने वाले गेंदबाज खुद मुथैया मुरलीधरन का रिएक्शन भी निकल कर सामने आया। उन्होंने कहा है कि स्पेशल लिस्ट में आपका स्वागत है रविचंद्रन अश्विन। 500 विकेट अपने देश के लिए लेना किसी खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है जिसे आपने हासिल कर लिया है, इसके लिए आपको ढेर सारी बधाई है। मुझे पूरा भरोसा है कि अभी तो आपके जीवन में बहुत कुछ बाकी है, आप अभी बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। मैं देखना चाहता हूं कि आप भारत के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन पाते हैं या नहीं। वहीं अंत में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज नेथन लियोन ने भी कहा, रविचंद्रन अश्विन एक बड़े भाई और मेंटर की तरह हैं, जिन्हें गेंदबाजी करते देखना और उनसे सीखना हमेशा मेरे बहुत काम आया है। रविचंद्रन अश्विन दुनिया के और वर्तमान क्रिकेट के सबसे बेहतरीन स्पिन गेंदबाज हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत बधाई हो रविचंद्रन अश्विन, मैं अभी कोशिश करूंगा कि आपके करीब आकर मुकाम मैं हासिल कर सकूं। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में अश्विन के नाम का डंका बज रहा है, लेकिन अब आपको क्या लगता है अश्विन कुंबले और जडेजा में कौन सबसे बेहतरीन गेंदबाज है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच को जहां एक तरफ सोचा जा रहा था कि इंग्लैंड आसानी से जीत लेगा, लेकिन ये केवल उनकी एक गलत फहमी थी। हालांकि पहले 10 ओवर में तो इंग्लैंड ने हमारे 3 बल्लेबाजों को ढेर कर दिया था, लेकिन इस मुकाबले में असली रोमांच तो अभी बाकी था। और फिर ये मुकाबला इतनी दफा पलटा कि इंग्लिश टीम तो भारत के सामने रहम की भीख मांगने पर मजबूर हो गई। पहले रोहित और जडेजा ने अपने स्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लिश टीम को कहीं का नहीं छोड़ा। हिटमैन ने तूफानी शतक जड़ा, जडेजा के साथ 200 से अधिक रनों की साझेदारी को अंजाम दिया। तो फिर उनके आउट होने के बाद तो डेब्यूटेंट सरफराज खान ने पूरी महफिल अपने नाम कर ली। आते ही इस खिलाड़ी ने 3 रन दौड़कर अपना खाता खोला था। ये तो केवल एक नमूना था, उसके बाद तो उन्होंने इस टेस्ट क्रिकेट को वनडे या T20 नहीं बल्कि सीधा T10 में तब्दील कर दिया। एक के बाद एक सीधा चौकों से वो डील करने लगे थे। मैदान का कोई ऐसा कोना नहीं बचा था जहां सरफराज खान ने अपना चौका नहीं जड़ा था। गेंदबाज के सर के ऊपर से तूफानी छक्का जड़े इस खिलाड़ी ने केवल 48 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक ठोका और डेब्यू मैच में ही इतिहास रच दिया। हालांकि वो 62 रन बनाकर रविंद्र जडेजा की कारण रन आउट हो गए थे, जिस पर खूब विवाद भी हुआ, लेकिन जख्मों पर मरहम लगाते हुए जडेजा ने अगली ही गेंद पर अपना शतक पूरा कर बता दिया कि टीम इंडिया अभी हारी नहीं है, जिस पर हर कोई खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। यानी कि पहले दिन ही रोहित और जडेजा ने शतक लगाया तो वहीं सरफराज ने अपने बल्ले से पूरी महफिल लूट ली थी। पहले दिन का खेल खत्म होने तक जडेजा 110 रन बनाकर नाबाद थे, तो वहीं 2 रन बनाकर कुलदीप यादव उनका बखूबी साथ निभा रहे थे, जहां 86 ओवर खेलकर टीम इंडिया 326 रनों तक पहुंच चुकी थी और इस दरमियान हमने अपने 5 बल्लेबाज गंवाए थे। यानी कि टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी। दूसरे दिन का खेल जब रोमांचक तरीके से शुरू हुआ तो इंग्लैंड जल्द से जल्द टीम इंडिया को ऑल आउट करना चाहती थी और उन्हें इसमें सफलता भी बहुत जल्दी मिली। हालांकि दोनों ने बेहद संभल कर शुरुआत की थी, वो गलती करने को तैयार नहीं थे, लेकिन इंग्लिश गेंदबाज भी किसी से कम थोड़ी हैं। दिन के 4th ओवर में कुलदीप यादव जेम्स एंडरसन के शिकार बनते हैं और केवल 4 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। उनके रूप में टीम इंडिया का 8वां विकेट गिर गया। उनके आउट होने के बाद अब बल्लेबाजी करने डेब्यूटेंट ध्रुव जुरेल आ चुके थे, लेकिन दोस्तों तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने एक बार फिर इंग्लिश टीम के मुकाबले में धमाकेदार वापसी करवा दी। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही ध्रुव जुरेल आए, इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक ने तेज गेंदबाजों को रोककर जो रूट को गेंदबाजी में बुला लिया। वो स्पिन के जाल में भारतीय बल्लेबाजों को फंसाना चाहते थे और उनका ये
बैटमैन मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, जहां जडेजा जो रूट के जाल में फंस गए। वो सामने की तरह बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बड़ी ही आसानी से जो रूट ने उन्हें कॉट एंड बोल्ड कर टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका दिया था, जहां आखिरकार जडेजा इंग्लिश टीम के सामने हार मान गए। लेकिन आउट होने से पहले जडेजा ने 9 चौके और 2 तूफानी छक्के की बदौलत 112 रनों की यादगार पारी खेली थी। उनके रूप में टीम इंडिया को 7वां झटका लगने के बाद अब मैदान पर रविचंद्रन अश्विन कदम रख चुके थे।